लश्कर जैसे हमारे बीच। इधर आ तू भी आ जा बेटा, ये मेघा है। तो मेघा को आप लोग जानते हैं, ये 800 मीटर दौड़ती है आप लोगों के साथ में और 4 या 6 महीने पहले से आपके साथ ट्रेनिंग कर रही है। यश लश्करी भी आपको याद होगा, गर्मियों में हम लोगों के साथ में वहाँ गोला फेंका करता था। यश लश्करी जो है ना, ये कौन सा साल इतना यहाँ पर दूसरा साल है, ये सेकंड ईयर है इसका ग्राउंड के ऊपर। और जब ये आया था तो उसके पहले उसेंट बोल्ट का नाम सुना है ना आप लोगों ने, उसेंट बोल्ट से इतना प्रभावित था कि इसने आके सीधे मुझे बोला था कि मुझे सर 100 मीटर की तैयारी करना है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं जब भी एथलीट आता तो बोलता हूँ तैयारी तू नहीं करेगा, मैं कराऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा कि तेरे अंदर नेचुरल गुण जिस चीज़ के उसको मैं डेवलप कराऊंगा। नेचुरलिटी मायने रखती है, लेकिन इसके दिमाग में एक ही बात थी, उसेंट बोल्ट। इसने तैयारी स्टार्ट करने के बाद मैंने इसके नेचुरल गुण परख लिए और मैंने इसको क्या कहा था, क्या बोला था मैंने कहा तू बेटा नहीं कर सकता, 100 मीटर की रनिंग के लायक तेरे मसल्स फाइबर नहीं है, तू तैयारी कर अगली दूसरी इवेंट की। और वो इवेंट मैंने इसको बताई थी 400 बताई थी मैंने 400, लेकिन ये मानता नहीं था। इसने फिर जीत करी और इसने जब बोला कि नहीं सर 100 मीटर करूँगा, ऐसे जीत करने लगा कि इमोशनल भी हो गया मेरे सामने कि सर मैं करके रहूँगा, मैं कर सकता हूँ। जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सब लोग क्या सोचते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है यदि मैं सोचूँ कि मैं ऊपर चांद पे जा सकता हूँ और मैं जंप ले लेके कूदता रहूँ जिंदगी भर, कह रहे मैं कोशिश करूँगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये मेरी सोच हो और मैं कूद जंप लेता रहूँ और इसी मोटिव के साथ में कि यार कोशिश करूँगा तो मैं पहुँच भी सकता हूँ, लेकिन हमें चांद पे जाने के लिए जंप नहीं, हमें रॉकेट से जाना पड़ेगा, तो कुछ हमें साधन चुनने पड़ते हैं। तो ये मान ही नहीं रहा था, तो मेरे को गुस्सा आ गया था, मैंने जा कर यही बोला था मैंने, तो ये जाकर करने लगा और पिछले साल बहुत बुरी तरह से ये असफल हुआ। कहाँ तक खेला था पिछली बार? स्टेट तक खेला था और हेमिस्ट्रिंग खिंच गई थी, स्टेट तक ही जा पाया था और इसकी हेमिस्ट्रिंग खिंच गई, ये उसमें अच्छा नहीं कर पाया। फिर इस साल ये वापस आया तो मैंने कहा इस बार तू मेरे हिसाब से करेगा, मैं जो चाहूँगा वो करेगा। ठीक है सर, मैंने इसकी एक साल के अंदर इसकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई थी, इसके अंदर जो स्ट्रेंथ देखी थी, तो उसको मैंने गोला शॉर्टपुट थमाया हाथ में, शॉर्ट का थ्रो कराया और इसने थ्रो किया। एक दो दिन के बाद मैंने कहा तो जो मैं इससे साल स्टेट चैंपियन बना दूंगा, स्टेट चैंपियन तो बन जाएगा। तो बना कि नहीं बना? बन गया ना बिल्कुल। कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। यस, इसने जो है ये शॉर्टपुट के अंदर इसने जो है गोल्ड मेडल जीता है। और पहले इसको मैं गले में इसका गोल्ड मेडल पहना के सम्मानित करूँगा। तो ये इसने गोल्ड मेडल और ये इसका शॉर्टपुट मध्य प्रदेश एथलेटिक फेडरेशन ने इसको दिया है फेडरेशन के थ्रू, और अभी ये जो है नेशनल खेलने के लिए जा रहा है। ठीक है, इसका डिस्टेंस बता दूं आपको, कितने मीटर फेंका है यहाँ पर इसने फेंका 11.33 मीटर। कितना फेंका है? 11.33 मीटर इसने गोला फेंका। और फेंका कैसे, ये इस बार फिर गलती कर गया था कि जब स्पॉट पर पहुँचना था इसको, तो ये स्पॉट पर पहुँचा 5 से 10 मिनट लेट। जब वहाँ पहुँचा तो क्या हुआ कि इवेंट स्टार्ट हो गई, एक एक चांस सभी ने फेंक दिया। इसको उन्होंने बोल दिया कि आप तू इस इवेंट में शामिल नहीं हो सकता, तुम नेक्स्ट इवेंट में शामिल होना, मतलब शॉर्टपुट छूट गया था इसका। कितना घबरा गया था बहुत ज़्यादा। इवेंट ही छूट गई, जैसे आप भर्ती देने जाओ और बोल दें कि आपको डॉक्यूमेंट्स में कमी, आप घर जाओ, ऐसा इसको बोल दिया आप घर जाओ। फिर मैं वहाँ पहुँचा और मैंने रिक्वेस्ट की, और चूँकि मैं एथलेटिक फेडरेशन के अंदर सिलेक्शन कमेटी में भी हूँ और जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट के थ्रू इसको लास्ट एक थ्रो छोड़ के आखिरी थ्रो में इसको शामिल कर लिया गया क्वालीफाई राउंड में। इसने वहाँ पे जो थ्रो फेंका है, तो जो थ्रो फेंका जो बहुत अच्छी मध्य प्रदेश खेल अकेडमी के अंदर तैयारी करता है बंदा, उसको भी इसने उससे पीछे था ये, वो इसके कुछ 5 से 10 पॉइंट आगे था और ये सेकंड पोजिशन चल रहा था, और इसको फाइनल क्वालीफाई राउंड में खेलने का मौका मिल गया। और फिर उसका थोड़ा उस टाइम का थोड़ा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था कि आप अपने बाहर कर रहे थे तो ठीक से वार्म नहीं किया था, लेकिन सेकंड टाइम इसने अपने आप को स्थिर किया और सेकंड क्वालीफायर राउंड में उसने स्टार्ट थ्रो किया तो उससे इसने ज़्यादा फेंक दिया और ये गोल्ड मेडल का हकदार हो गया। ठीक है, और अभी एक तारीख को वेस्ट जोन नेशनल खेलने के लिए यश भी जा रहा है, मेघा भी जा रही है, ताली बजा दोनों के लिए। और ये दोनों वही इवेंट कर रहे हैं आपके सामने, मेघा कर रही है 800 मीटर और ये कर रहा है शॉर्टपुट इवेंट आपके सामने। ये आप ही की तरह थ्रो कर रहा है, आप ही की तरह प्रैक्टिस कर रहा है, वही एक्सरसाइज कर रहा है जो आप लोग कर रहे हैं, ये भी वही कर रही है जो आप लोग कर रहे हैं। आप में और इनमें क्या अंतर है? सोच का अंतर है। आप लोग ऐसा सोच नहीं रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा करना है, आप लोग क्या बार बार विचलित हो जाते हैं। ये 5G की जनरेशन की एक ही कमी है कि ये लोग क्या करते हैं,
कि अपने हर बार गुरु चेंज करते हैं। कभी यूट्यूब पे वो कोई दिखता तो उसकी टिप्स ले लेते हैं, कभी इधर कोई दिखता है जो बोलता है 3 दिन में गोला फेंके, कोई तो 1 घंटे में लॉन्ग जम्प, एक ही एक्सरसाइज से लॉन्ग जम्प 19 फीट पहुँचा देता है, कुछ टाइमिंग कम करा देता है। ऐसे यूट्यूब पे चैनल्स पे कुछ कोच है, उनके टिप्स ले लेके आप लोग बार बार डाइवर्ट हो जाते हैं। आप एथलेटिक्स कोच के पास में रहें, मैं एथलेटिक्स कोच हूँ, अनुज सर एथलेटिक्स के नेशनल प्लेयर है, फिजिकल एजुकेशन में डिग्री की उन्होंने, नेहा मैडम स्टेट चैंपियन है, तो आपको सारे लोग चैंपियंस लोग ही आपको यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। आँख बंद करके यकीन करेंगे तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। स्टेट के अंदर 11.33 मीटर, आपको कितना फेंकना है, 9 मीटर फेंकना है ना, 8-9 मीटर के अंदर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कितने महीने पहले स्टार्ट किया फेंकना तुमने बता? 2 महीने गर्मियों में स्टार्ट किया था, वहाँ पर सबसे पहले आपके साथ ही स्टार्ट किया था, और ये 5-6 महीने से आपके सामने दौड़ रही, पहले भी दौड़ी है लेकिन पहले इसके इवेंट दूसरी थी, पहले 400 करती थी, फिर मैंने इसके इवेंट चेंज की इसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, तो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, और अभी आने वाले समय में ये 2:20 में जब रेस दौड़ेगी तब आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो सभी लोगों को मोटिवेशन के लिए था और सभी इसको बधाई दें, अभी रेस्टोरेंट के लिए जाएगा। और आप लोग जो है आप लोग आँख बंद करके यकीन करें, और मैं चाहूँगा तो 2-4 शब्द तू भी बोल दे हमारी ट्रेनिंग के विषय में, तो तू क्या सोचता था और तूने क्या कर लिया, कैसा लग रहा है स्टेट चैंपियन बन के? सर स्टेट चैंपियन बन के अच्छा लग रहा है, जोर से स्टेट चैंपियन बन के अच्छा लग रहा है, पर सर इतनी जितनी खुशी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है सर, अभी टारगेट नेशनल चैंपियन बनने का है। मतलब सर आपने बोला था स्टेट चैंपियन बनना है, बन गए तो सर उसके बाद जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी खुशी नहीं लगी, ऐसा लगा नहीं था कि मेडल लग जाएगा, अच्छा अब ऐसा लग रहा है कि नेशनल चैंपियन बनना है। ये देखिए, इसने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी स्टेट चैंपियन बन जाएगा, लेकिन इसको अब लग रहा है कि मैं इतने कम समय में स्टेट चैंपियन बन गया हूँ, तो नेशनल चैंपियन। और हमेशा यही टारगेट होना चाहिए जीवन में, छोटा नहीं सोचना बड़ा सोचना। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पिछली भर्ती 15 फीट नहीं फेंक पाती थी लड़कियाँ, जैसा आप लोगों को टारगेट मिला इसलिए बार 19 का आपके 28 मिला, तो आप 25 फीट 24 फीट आपके सामने मायने नहीं रख रहे हैं, ये लोग 21-22 फीट फेंक रही है। लॉन्ग जंप है ना 13 फीट और 10 फीट कुछ में पसीने आते थे, आपको आसानी से हो रहा है। टाइमिंग जो है 2:30 तो हलवा हो गया है, मतलब 2:44, 2:42, 2:45 से लोग दौड़ा करते थे। जितना बड़ा टारगेट हम लोगों को मिलता है और जितना हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं इतना ही अच्छा कर पाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें हमारी सोच को बड़ी करना है, इसकी तरह अब नेशनल मेडल की तरफ जाना है। तो निश्चित रूप से अभी हमारे पास समय है, लेकिन थोड़ा समय कम बचा है इसका, और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट के साथ में ही गोला फेंकेंगे। ठीक है, शुभकामनाएं सभी को, और दोनों से उम्मीद करते हैं दोनों आपको वेस्ट जोन में 1 तारीख को मेडल जीत के लेके आएंगे, उस मेडल को हम वापस से आपको पहनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सर।